मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे इलाहाबाद यूपी जोन इंचार्ज परम आदरणीय मनोरमा दीदी जी, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बरेली से आई हुई हमारी पारुल बहन जी और भी बहनी साथ में आई हुई है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मेरी सुषमा दीदी जी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अखिल बहन जी जो मंचन कर रही है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और सार्जन के हमारे विनोद सर जी को भी दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत। और यहाँ सभा में उपस्थित जितने हमारी बहनी हैं जो डिग्री के, इंटर के और बालिका के, उन सब को भी मैं तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारी जितनी टीचर्स हैं, मैम हैं, उन सब को भी, महिला के, डिग्री के और सभी को भी हम स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जो भी इस आश्रम के तरफ से जो भी सेवाएं दे रहे हैं हमारे भाई बहन, उन सबका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और लगभग 8 वर्षों से अपना जीवन उन्होंने इन सेवाओं में लगाया हुआ है। वे आएंगे और हम सभी को इस संस्था के बारे में बताएंगे। श्री विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1937 में सिंध हैदराबाद कराची में हुई थी। स्वयं प्रभुता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से इस संस्था की स्थापना की थी। और इस संस्था का हेडक्वार्टर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। इस संस्था की मुख्य संचालिका है इस समय दादी जानकी जी। ये संस्था केवल भारत में नहीं, भारत सहित 140 देशों में सेवा कर रही है और 9000 से अधिक सेवा केंद्र इस भारत के अंदर भी हैं, जिनके माध्यम से सेवाएं कर रहे हैं। इस संस्था में सहज राजयोग मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, जिससे हमारा मन एकाग्र कैसे हो, क्योंकि आज हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है और इसी वजह से हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमें याद ज्यादा नहीं हो पाता है, मेहनत ज्यादा है लेकिन सफलता कम प्राप्त होती है। तो कैसे हम अपना मन एकाग्र करें, कैसे हम अपने भगवान से भी कनेक्शन जोड़ें, तो सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। सहज राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, चिंताएं हैं, भय है, वो आदि निकलने लगता है और मनुष्य को एक ऐसी समझ प्राप्त हो जाती है जो अपना जीवन सुख शांति में व्यतीत कर सकता है। इस संस्था में 18 वृक्ष भी बने हुए हैं, जैसे पहला वृक्ष भी इसके बीच है, महिला सशक्तिकरण। आज जो अभियान निकाला गया है वो इसी विषय से निकाला गया है कि आज शिक्षा तो है लेकिन सशक्त नहीं है,
तो आप सोच रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्यों पड़ा? तो मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि की स्थापना का कार्य जो दिखाया है वो परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से किया, और कुमारी इसलिए पड़ा है क्योंकि वो माने बुराई, बुराई को मारना इस संस्था में सिखाया जाता है कि हम कैसे बुराई को खत्म करें, हमारे अंदर जो बुराइयां आती जा रही हैं उनका कैसे विनाश करें। वैसे भी देखिए कि अगर कोई कुदृष्टि रखता है तो उसको कहते हैं कुदृष्टि, को माना बुराई, बुरी दृष्टि, तो हमें उस बुरी दृष्टि को खत्म करना है, कुसंगत को खत्म करना है, इसलिए इसका नाम कुमारी पड़ा है। इसलिए ये पड़ा है क्योंकि विद्यालय ऐसा है जो किसी मनुष्य द्वारा खोला नहीं गया है, इसे खोलने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, भगवान है, ईश्वर है। और विश्वविद्यालय ये पड़ा है क्योंकि एक देश से नहीं 140 देशों से ये कनेक्ट है, संबंध रखता है, पूरे विश्व में खुला हुआ है, इसके सेवा केंद्र बने हुए है जहाँ 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, और 7 डेज के कोर्स में आत्मा परमात्मा का ही परिचय दिया जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य सृष्टि पर क्यों आए हैं, ये पूरी जानकारी इस संस्था में दी जाती है, और अपना संबंध कैसे भगवान से जुड़े, क्योंकि आज हमारे साथ के साथ संबंध है लेकिन परमात्मा के साथ संबंध नहीं है। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए जैसे देखिए कि अगर हमें किसी से संबंध जोड़ना होता है तो उसके जैसा बनना पड़ता है, हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है तो हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि लाइट कनेक्शन करने के लिए दोनों तारों की रबड़ों को हटाया जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान से भी कनेक्शन जोड़ना है तो इस शरीर रूपी जो तार रबड़ है उसको हटाना पड़ेगा, तब भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ सकती है, संबंध जोड़ सकती है। सभी के बीच में पार्वती जी हैं, जो कि लगभग 14 वर्षों से समर्पित रूप से बरेली में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वे आएंगी और हमें बताएंगी कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्या उद्देश्य है इसका। चंद लाइनें कहना चाहूंगी बच्चियों के ऊपर। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। ओम शांति। परमपिता परमात्मा मछपारा से हमारे अतिथि, हमारे आदरणीय दीदी जी, सभी साथी ब्रह्मा कुमार भाई और बहने, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष की और गर्व की बात है कि जिस अभियान को लेकर के हमारा दल चल रहा है, ये अभियान वास्तव में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर ले जाएगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जैसे आप सभी ने अभी परिचय सुना कि विद्यालय की गतिविधियां क्या है, क्या कार्य करता है, उसी तरह इस विद्यालय के अंदर एक महिला प्रभाग है अनेक प्रभागों में से, और ये महिला प्रभाग खास तौर से कुमारियों के लिए, बेटियों के लिए और नारियों को उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के दौर में हम सभी देख रहे हैं कि नारियां ऊंचाइयों को तो छूती जा रही है, शारीरिक तौर पर भी सशक्त है, मानसिक तौर पर भी है, पर आध्यात्मिक स्तर उनका बहुत कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जब उन्हें सफलता मिलती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं अब ये जीवन हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो ये सोचते हुए ये अभियान चलाया गया है, ये मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समकक्ष रखते हुए हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजगुरु दादी जानकी जी, जो वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ हैं और
101 साल के हो चुके हैं और 101 साल के होने के उनके अभिनंदन समारोह में ये अभियान चलाया जा रहा है। सभी अनादि रचना है, आत्मिक रूप में हम सभी सृष्टि पर आए, किसी ने नर का चोला लिया, किसी ने नारी का चोला लिया, लेकिन नारी का चोला जब हमें मिला और नर का चोला मिला तो परमात्मा ने बराबर की शक्तियां हमारे अंदर हमें भर करके भेजा था, लेकिन नारियां अपनी शक्तियों को भूल गई पर पुरुषों ने अपनी शक्तियों को कायम रखा। तो उन्हीं खोई हुई शक्तियों को लौटाने के लिए परमात्मा साक्षात रूप में आपको एक ब्रह्म कुमारी श्वेत वस्त्रधारी बहनों के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक और खोई हुई शक्तियों को याद दिलाने के लिए आए हैं कि आप उठो और अपनी शक्तियों को पहचानो कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या बात है, हार कर भी मुस्कुराना ही तो जिंदगी है। इसलिए मैं आपके सामने अपने इसी टॉपिक से संबंधित एक गीत रखना चाहती हूँ। शायद वो आप सभी के अंदर में वो जज्बा वो उमंग पैदा करेगा। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ही रोना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ही रोना, हंसना ही तो है जिंदगी, हंसना ही तो है जिंदगी, मायूस जीवन में होना, जीना ही तो हंसते जियो, जीवन में एक पल ही रोना। आज यहाँ जो खो गया कल वो कहीं मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा, उम्मीद पर दुनिया चले, उम्मीद पर दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना ही तो हंस के जियो, जीवन में एक पल ही रोना, आंसू नहीं मोती है, पलकों से देखो टूटे नहीं, आंसू नहीं मोती है, पलकों से देखो टूटे नहीं, कम हो कभी मायूस जीवन में होना। चारित्र तो पार करनी ही है, बिना चारित्र के लाइफ नहीं हो सकती, बिना चारित्र से कौन होता है, जो मुर्दा होता है। अगर हम जीती जागती है इसका मतलब है कि चारित्र फेस करनी है, और चारित्र कैसे फेस करनी है, खुश हो। तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये सॉन्ग गा लें, ठीक है।
ठीक है, आपको मेरा कोई रास्ता निकालना है, और दूसरा रास्ता है मेडिटेशन। अभी इस श्रृंखला को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सभी के बीच आपके स्कूल के सार्वजनिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब विनोद कुमार सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और वे हम सभी कुछ आशीर्वाद। प्रजा प्रजा ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की वे मूल धरोहर जिनका ज्ञान जिनका त्याग समाज के लिए अनुकरणीय है, उनका मैं सार्वजनिक महाविद्यालय की सभागार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का कार्यक्रम बेटी बचाओ सशक्त बनाओ प्रश्न उठता है कि इस कार्यक्रम को संचालित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज की संरचना में पुरुष और महिलाओं का एक जो सामंजस्य होना चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो में बालिकाओं की संख्या घटने लगी, और ये स्वयंसेवी संस्थाएं नहीं, यहाँ तक कि हमारे प्रशासन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा से प्रारंभ किया था। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का उन्होंने हरियाणा से शुरू किया था। एक चीज दूसरी चीज, आप लोग ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्राध्यापिकाएं हैं, हम लोग तो दुनियादारी के अध्यापक हैं, कुछ पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ा, आप नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची चीजें हम लोग बताते हैं, उसको सीखने का अवसर जो मिला है उसको खोना नहीं चाहता। आपको हमारे बीच की बुराइयों को दूर करने के लिए जो बेड़ा उठाया है, समाज को जो सुधारने का बेड़ा उठाया है, समाज को अच्छे मार्ग पर चलाने का जो बेड़ा उठाया है, उसके लिए मैं मुबारकबाद साहब आपकी तरफ से सार्वजनिक इंटर कॉलेज सार्वजनिक पीजी कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। सच्चाई ये है कि आज बेटी बचाओ और सशक्त बनाओ अभियान निकाला, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकाला था तो हमें क्या आवश्यकता थी। बेटियां पढ़ रही हैं, आप भी आवश्यकता केवल जज्बे की है, हर पराजय पर न तो आंसू बहाओ, सफलता का यही पहला चरण। कोई भी विफलता मिलती है तो ये बस सोचो हाय क्या करें, चींटी हजार बार गिरती है और फिर चढ़ती है, आंखों को नजर पा ही नहीं। तो ये जो बेटी बचाओ अभियान हम लोगों ने निकाला, इसके साथ सशक्त बनाओ। देखो बेटियां मारी जाती थी वो एक जमाना था, इतिहास गवाह है, एक सल्तनत का दौर आया, कहना नहीं चाहती वो गया से अपना। हालांकि हमारी पुराने अखबार में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ऐसा था कि लोग कहते थे साहब आप शादी करेंगे अपनी बेटी की, पहले 9 दिन हमारे यहाँ व्यस्त है, नौ रोजा प्रथा के नाम से मशहूर था, और लोग तो सोचते थे कि हम अपनी पवित्र बेटी को कन्या क्या किसी और के यहाँ क्यों भेजें, हम पाणीग्रहण से क्यों भेजेंगे, इससे अच्छा बेटी पैदा ही ना हो वो तो सुन करके खराब लगता है, आज उससे ज्यादा आगे बढ़ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के, जो हमें स्रोत मिल गए हैं उन मशीनों से हम जान लेते हैं कि हाँ गर्भ में बेटी है या बेटा है, परिणाम यह है पैदा ही नहीं हुए, वो जब 3 महीने तक आकार और प्रकार ले उससे पहले ही उसे चलता कर दो ये सोच लेते हैं, लेकिन क्या गुनाह किया है उस बेटी ने, कौन सा ऐसा पाप किया है जो आप उसे इस पृथ्वी का मुंह नहीं देखना चाहते दिखाना चाहते हैं, आप माँ चाहते हैं, आप बहन चाहते हैं, आप पत्नी चाहते हैं, आप प्रेमिका चाहते हैं, मेरा बेटी क्यों नहीं चाहता,
सारे संबंध तरफ जाते हैं, सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं, बेटी क्यों नहीं जाते? तो अब वो जमाना नहीं, अब आजादी के दौर से गुजर रहे हैं, अब कोई सल्तनत नहीं है, अब कोई हमारे ऊपर ऐसी मजबूरियां नहीं है, मगर पीछे से चली आई एक रीति है, पीछे के दरवाजे से घुस गई है, आज हमारे घरों में दहेज की मूर्ति रखा। और जब माँ बाप के यहाँ कोई नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है तो माँ बाप को एक बात दिल खोल जाता है, बोले भैया डिग्री हो गई। हम हंसते हैं और उसे कहते हैं अगर डिग्री समझोगे तो डिग्री, अगर तुम इसे दुर्गा समझोगे, अगर तुम इसे लक्ष्मी समझोगे, अगर तुम इसे सरस्वती समझोगे तो ये तुम्हारे जीवन पर्यंत तक छत्र छाया बनकर रहेगी। बेटियां तुम्हारा कल सोचने की बात है, वृद्धा आश्रम भारत की भूमि में नहीं होते, क्यों भेजी जाती हैं बुजुर्ग माताएं, क्यों भेजे जाते हैं बुजुर्ग बाप उन वृद्धा आश्रमों में? हम नहीं फंस सकते, हम नहीं उनकी सेवा कर सकते। आज हमारे इलाहाबाद थाना कौशाम्बी जनपद की घटना है, एक बच्चे ने अपने बाप को केवल इसलिए मार दिया, रोड से मार मार के मार दिया, तुमने रद्दी बेच ली थी, क्या उस बाप को इतना भी हक नहीं कि वो रद्दी बेच दे? केवल अखबार की पढ़ी हुई रद्दी। ऐसे ही आज जो बेटियां मारी जा रही हैं, सवाल ये है क्यों? और अगर इस तरह मारी जाती रही तो वो भयावह पीड़ा, वो असंतुलन हमें एक दिन मोहताज कर देगा। एक द्रौपदी पांच पांडवों के बीच की, न जाने हम इस भारत के अंदर कितनी द्रौपदियां पैदा कर देंगे। और इतना ही नहीं, हमें जागना होगा, बेटियों को बचाना होगा। और इसके साथ साथ एक चीज है, इसका दूसरा है, बेटियों को केवल शिक्षित नहीं, उन्हें दीक्षित भी बनाना होगा। और दीक्षा कहते हैं संस्कारों। एक बेटी जाकर माँ बनती है, हमारे यहाँ हमारी गुरुजन बैठी हुई है, पांच घंटे इस विद्यालय में आती है तो वो गुरुजन है, वो महान है, वो हमें पढ़ाती है, लेकिन इसके बाद जब वो घर जाती है एक माँ होती है, घर जाती है तो एक पत्नी होती है, घर जाती है तो एक बहू होती है, और न जाने कितने दायित्वों का निर्वाह करती है। मुझे याद है एक बार कहा गया कि सीता या राम या रामायण के वो सब पात्र क्या उनका दायित्व वर्तमान में भी नहीं है? उस सीता से ज्यादा कठिन परीक्षा ये सीताएं देती हैं जो यहाँ बैठी है। ये यहाँ पांच घंटे पढ़ाने के बाद घर जाती हैं और मेहमान आ जाते हैं तो क्या उन मेहमानों को चाय के कप नहीं देती है? क्या उन्हें भोजन नहीं देती? क्या ये प्रसव की पीड़ा नहीं झेलती? क्या ये अपने बुजुर्ग घर में बैठी हुई सास और ससुर को उनकी सेवा और उनकी दवा नहीं देती है? सब करती। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा दंश शक और सुबह सीता के साथ ऐसा कुछ नहीं, आगे राम थे, पीछे लक्ष्मण थे, बहुत सुरक्षित थे, किसी ने उसको इन निगाहों से नहीं देखा, अरे पांच घंटे में अरे बड़ा भैया कमाल की लौटी या बड़ा वहां रंग रेलियां मना के लौटी। न जाने कितने कुआ के सुनने पड़ते हैं हमारी उन बहनों को जो जॉब करती है। नारी की दुश्मन पर पुरुष नहीं मिलाती है। एक सास के वो बहू को इसलिए छोड़ के चली गई इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज से कि उसने बेटी को जन्म दिया। उसने नहीं सोचा बेटी मरेगी तो मरेगी, मेरी बहू मर जाएगी, फिर घर कहां से? तो बहुत कुछ होता रहता है समाज में, और इसके लिए ना कहीं चीखने से काम चलेगा, ना कहीं चिल्लाने से काम चलेगा, हमें अपने आप को स्वयं सशक्त बनाना होगा। हम खुद अपने आप का संकल्प करें, हम स्वयं की रक्षा स्वयं करें। और जब आपका मनोबल बढ़ जाए और ये मनोबल आपको आध्यात्म से मिलेगा। देखो नारियों की रक्षा के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने कम नहीं किया, हमारे न्यायिक ने भी कम नहीं किया, इतने कानून बना दिए हैं, इतने कानून बना दिए हैं आपकी सुरक्षा के लिए जिसकी सीमा नहीं, लेकिन उन कानूनों का कहां इंप्लीमेंट हो रहा है?
वो घटनाएं कहना नहीं चाहिए जो कभी सदियों में एक हुआ करती थी। आज से इस दशक से पहले भी बहुत बिरला कंसान में एक बार कोई सुन ले किसी महिला किसी बहन कि आप लोग खतरे में पड़ गए। उस घटना को कहने के लिए भी लोग संकोच करते थे। एक मोहल्लेदार भी दूसरी दूर तक ले जाता था कि भैया आज अखबार पढ़ा ऐसा हो गया, वो समाज में चर्चा नहीं करना चाहता था। आज हम अखबार खोलते हैं तो हर देश में एक खबर होती है, दिल्ली की हो, वो बलिया की हो, वो बस्ती की हो, वो सहारनपुर की हो, वो मेरठ की हो या वो कानपुर जैसे शहर इलाहाबाद जैसे। लेकिन आज एक दिन के अंदर न जाने कितनी ऐसी घटनाएं आई। एक निवेदन उसका आपसे है और उसका ताल्लुक भी आपसे कि हम अपने शरीर की नुमाइश न लगाएं। हम जो कपड़े पहनते हैं हमारे विद्यालय में जो यूनिफॉर्म है जिसको हम पहन के आते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज के बाद हमारा परिधान हमारी नुमाइश बन जाता है। आप किसको देख कर वो नुमाइश लगा रहे हैं? अगर आप टीवी के पर्दे पर आने वाली उन नायिकाओं को देख करके लगा रहे हैं तो उन्हें उसको पैसे मिलते हैं, वो उसकी कीमत वसूलती है, उनको 10 लाख 20 लाख मिलते हैं तब वो अपने बदन पर नुमाइश लगाती। बट वाई फॉर यू, आप क्यों लगा रहे हैं? अपनी मर्यादाओं को चौराहे पर क्यों खड़ा कर रहे हैं? किसी की दृष्टि हम पर पड़े हम ऐसी नुमाइश बनेंगे? हमारा परिधान बहुत मर्यादित होना चाहिए। बहनों में जितनी अक्ल है जिसको कहते हैं सिक्स सेंस, बहुत शीघ्र जान जाती है हमको किसने कैसे देखा। अगर उसकी दृष्टि को परखते वो दूर हो जाती है तो उसकी कुवृत्ति का शिकार नहीं होती, और जब कुवृत्ति का शिकार नहीं होती तो उसके कुकृत्य का भी शिकार नहीं होती। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही वृत्ति सोच होती है, और जैसी वृत्ति होती वैसी कृति होगी। अगर आपने किसी को समझा कि उसकी दृष्टि मेरी ओर सही नहीं तो कभी उसका रिस्पॉन्ड ना दें। हमें अपने आप को अपने मनोबल को सशक्त बनाना होगा। अगर हवा में उड़ते हुए युद्ध विमान का संचालन कर सकती है, अगर अंतरिक्ष में विलयम बनकर जा सकती है, तो भला हम अपनी इस जमीन पर रहते हुए अपनी रक्षा नहीं कर सकते? हमें अपनी रक्षा अपने आप कर ली आनी चाहिए हर तरीके से। जो बच्चियां हमारी जल जाती हैं केवल पराए, थोड़ा सा इंप्रेशन हुआ, थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ और डिग्रेशन माना भटकाव पैदा हो जाता है। हम भाग खड़े होते हैं जिंदगी की लंबी जिंदगी के पिछड़ा पहलुओं को भूल जाते हैं। तो कभी पलायन मत कीजिए। एक टहनी एक दिन पर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस मचकर एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। मनोबल को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन सीखेंगे उसके लिए हम बुलाना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी को, जो कि बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और उनकी उम्र 65 वर्ष है, और आपको देख कर इनको ऐसा लगेगा नहीं कि वह 65 वर्ष पर है। उनकी लाइफ फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, फुल ऑफ लाइफ हो चुकी है, और वो उसका राज क्या है वे बताएंगे आपको। मेडिटेशन उसका राज है और वो मेडिटेशन आज हम लोग सिखा के जाएंगे जिसके द्वारा हम मनोबल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओम शांति। हमारे मंच पर फिराना चाहे थे हमारी बहने सामने बैठी हुई छोटी बहने, अभी आप सुन रहे थे बेटी बचाओ सशक्त बनाओ। आप सब भी घर की बेटियां हैं, पढ़ भी रही हैं, बड़ी भी हो रही हैं, जीवन के धरातल पर उतर भी रही हैं। इसके आगे जो आने वाला आपका समय है, आपका काल आ रहा है, उससे बचने के लिए सशक्त बनना बहुत जरूरी है।
हमारी बच्चियां पढ़ तो लेती हैं, शिक्षित हो जाती हैं, पर अपने जीवन से मनोबल आत्मशक्ति न होने के कारण वो कहीं कहीं अपने को निर्बल और कमजोर समझ लेती हैं, वही उनका जीवन रुक जाता है। इसलिए रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कोई कहे तो भी नहीं, हमें सदा आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए राजयोग शिक्षा आपको आगे बढ़ाने की एक विधा सिखाती है। राजयोग कोई और चीज नहीं, दो शब्दों का है, राज माना रहस्य और योग माना जुड़ना। जैसे आप घर से स्कूल कॉलेज के लिए जुड़े, पुस्तक से मास्टर तक जुड़े, शिक्षक तक जुड़े, अपनी डिग्री तक जुड़े और आगे बढ़ने का भी पड़ाव बना हुआ है, वो भी जुड़ना है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नौकरी करना है, समाज में रहना है, सेवा करनी है, वो भी आपके जुड़ाव का। ठीक इसी प्रकार से भगवान से भी जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी जगह के पीछे हमारा लक्ष्य एक परमात्मा है। हमें सशक्त बनाने का सबसे बड़ा साधन है। इससे राजयोग सीखने के लिए कोई आपको विशेष मंत्र, कोई विधि और कोई आसन नहीं बताया जाता, बल्कि अपने मन को भगवान से जोड़ना है। जैसे स्कूल आते हो, एग्जाम का टाइम होता है, तो सबसे पहले किससे जोड़ते हो? भगवान से, कि भगवान आज पेपर जरा अच्छा आए, जरा मेरे नंबर अच्छे आए, जरा मेरे रिजल्ट अच्छा बने। किससे प्रार्थना करते हो? भगवान से। तो जुड़े ना भगवान से, क्योंकि बल शक्ति भगवान करता है। कहते हैं ना, भगवान देता है, बल देता है, शक्ति देता है। तो देखो परमात्मा कौन है? आज की दुनिया में बहुत से बच्चों का आज प्रश्न हो गया है कि हम मंदिर क्यों जाएं, क्यों भाई वहां इतने सारे भगवान है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राम को माने, कृष्ण को माने, राधा को माने, सीता को माने, किसको माने? लेकिन एक बात ध्यान रखो कि कंफ्यूज होने की बात नहीं, जो सबका पिता है वही परम पिता है। जिसने राम ने भी जिसको ईश्वर कहा है, कृष्ण ने भी जिसे ईश्वर कहा है, बुद्ध और क्राइस्ट ने भी जिसे गॉड कहा है, शक्ति कही है, वही परम पिता परमात्मा शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में मंदिर में बीचों बीच में स्थान प्राप्त करते हैं, वो हमारे परम पिता परम आत्मा है। हम उनकी संतानें हैं, इसलिए हमारा नाम आत्मा है। शरीर का नाम अनेक 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 है, और अगर देखा जाए तो विधा के रूप में हम सब आत्माएं एक शक्ति के रूप में यहाँ मौजूद है। शक्ति ही आत्मा की है, जो परमात्मा से जुड़ने की बात कहती है। आत्मा ही परम पिता परमात्मा को जब याद करती है, वही विधा शक्ति है, जिसे हम आप शब्दों के साथ हम आपको कुछ बताएंगे, जिसे मनन चिंतन करना है। आइए हमारे साथ उस परम पिता परमात्मा को आप भी याद करें। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, शरीर को अपनी सीट पर बिठा दीजिए। शरीर एक साधन है, मैं आत्मा इस साधन को चलाने वाली इलेक्ट्रिक रूप की शक्ति, मोटर रूप की ड्राइवर और शरीर में चलने वाली आत्मा। मैं आत्मा ही प्रकृति के बीच निवास करती हूं, मैं आत्मा ही शक्ति हुई, आपसे देखती हुई, कान से सुनती हुई, मुख से बोलती हुई, इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हुई। जो भी कर्म संस्कार हमारे बनते हैं, वही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहलाता है। मैं आत्मा इस शरीर में अपने घर से आई हूं, मेरा घर शरीर से पार, इस कॉलेज से भी पार, इस दुनिया से भी पार, चांद तारों से भी पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों से भी पार, ब्रह्मांड में उस आत्माओं का घर है, जिसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम कहा जाता है।
जहाँ आत्मा तीन समय काल के बंधन से मुक्त है, जहाँ आत्मा शांत स्वरूप में स्थित है, जहाँ आत्मा परम प्रिय परमपिता के संग निवास करती है, वो मेरा घर है। उस घर को घर कहते हैं जहाँ से इस दुनिया में आते हैं। इसे आना भी ऊपर से जाना भी ऊपर है। वो हम आत्माओं का घर है। हमारा पिता परम पिता परम आत्मा भी उस घर का वासी है। हमारा स्वरूप ज्योति प्रकाश में है, मेरे पिता का भी स्वरूप ज्योति प्रकाश में है। मेरे पिता भी ज्ञान के सागर है, गुण के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, दया मेहन करुणा के सागर है। वह आत्मा भी प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, दया प्रेम रहम करुणा का मास्टर स्वरूप। कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहता, कोई आत्मा अपने लिए बेरहमी नहीं चाहता, कोई आत्मा अपने लिए अशांति नहीं चाहता। हम भगवान से यही चाहते हैं जो हमारे अंदर है, तो मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद है। क्योंकि मेरे पिता का गुण विशेषताओं हमें है, महज है कि हम अपने पिता को जाने, पिता के गुणों को जाने, हम स्वयं को जाने, और स्वयं को जाने तो हम सशक्त बन सके। जैसे सुनार का बच्चा जानता है कि मेरे पिता सुनारी है, अब मुझे भी सुनार करना है, स्वयं शक्ति को लेता है, हाथ में अंदौड़ा उठाता है और सोना करना शुरू कर देता है। एक दिन इतना बड़ा सुनार मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हम आत्मा के अपने परम पिता परमात्मा को पहचाने, वो मेरा परम पिता परम शत्रु है। उसकी शिक्षाएं उसकी ही ज्ञान है, वो मेरी ही है, और मैं ऐसे बनना हूं जैसा मेरा पिता है। सहज अपने को सब शक्तिवान पिता के समान, अपने को भी शक्तिमान समझेंगे, अनेक दुर्गुणों से दूर हो जाएंगे। इसे दुर्गुणों से दूर करने वाली दुर्गा माँ भी शिव की शक्ति कहलाती है। हमें भी शिव की शक्ति पर अपने ही असुरों का संहार कर स्वयं को पूजनीय बनाना है, क्योंकि मेरे पिता पूजनीय है। मैं ऐसे परम पिता परमात्मा की संतान ये समझकर अपनी शक्ति को धारण करें और पिता का प्यार देकर इस धरती पर वापस अपनी देह में लौट आएगा। ओम शांति शांति। सार्वजनिक मध्य कॉलेज के प्राचार्य भ्राता विनोद कुमार सिंह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बाबू जी को भी प्रणाम करता हूँ जो इस विद्यालय के संस्थापक और प्रबंधक हैं बाबू विनोद कुमार सिंह जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये व्यवस्था हमें प्रदान की है। और साथ में इस विद्यालय परिवार के शिक्षकगण और हिंदू बालिका से आई हुई हमारी बहने शारदीय नगरी कॉलेज की हमारी बहने शारदीय नगरी कॉलेज की हमारी बहने, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमारी बहनों के लिए दिया है। जो आज कार्यक्रम है नारी बेटी पढ़ाओ बेटी सशक्त बनाओ, इस कार्यक्रम में दीदियों ने बड़ा अच्छा आप सबको बताया है कि हम सशक्त पढ़ तो रहे हैं लेकिन सशक्त कैसे बने। नारी करती है निर्माण, सरस्वती बन करे कल्याण, नारी लक्ष्मी नारी दुर्गा, नारी की है शक्ति अपार, तीनों लोग झुकाती शीश, नारी जब बन जाए अवतार, नारी है रत्नों की खान, ये ही है हर घर की शान, नारी तेरे रूप अनेक, प्रहरी बन करती अभिषेक, तूने रतन बहुत उपजाए, वीर शिवा गांधी कहलाए, नारी का मत करो अपमान, है नारी ही देव समान, नारी नहीं भोग्या अबला,
हो कल्याणी बन करे भला। दृष्टि बदलो नजरों का दृष्टिकोण बदलो, बंद करो ये अत्याचार का मुक्ता और बलात्कार, हर बुलंदी का एहसास हमारी अब वो बिल्कुल नहीं बेचारी, धरती गगन नाप जिसने दी उसने अपनी पहचान, स्वाभिमान से खड़ी हुई है मांग रही अपना स्थान, मांग रही अपना स्थान। ओम शांति।